गाइस सबसे पहले लाइट रूम एप्लीकेशन में इस वाले फोटो को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस आप देख सकते हो जो हमारा फोटो जो डार्क और ब्लैक सो रखा है नाइट शूट के कारण और कैमरे के फ्लैश के कारण हमारे जो आँखें जो है इस फाइल के इस आँखें इसके आँखें जो है वो रेड हो रखा है। तो गाइस हम इस वीडियो में आज हम इसी फोटो के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस फोटो को आज हम एडिट करने वाले। तो गाइस हम सबसे पहले तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लाइट्स में जाएंगे। लाइट्स में जाने के बाद गाइस इसके जो हाईलाइट जो है हम हाईलाइट को इसको तो हम बढ़ा देंगे हम इस तरीके से। बढ़ाने के बाद जो इसके शेडो जो शेडो को भी हम बढ़ा लेंगे। शेडो बढ़ाने के बाद इसके वाइट जो है वाइट्स को भी हम बढ़ा लेंगे। वाइट बढ़ाने के बाद इसके जो ब्लैक जो है ब्लैक को बढ़ा लेंगे हम। तो बढ़ाने के बाद गाइस अब कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेंगे। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद इसके जो एक्सपोजर है एक्सपोजर को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे हम इस तरीके से। बढ़ाने के बाद गाइस इसके बाद हम इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे। टेम्परेचर को हमें हल्का सा माइनस करने के बाद टेंट को इस तरीके से बढ़ा लेंगे। वाइब्रेंस को हम बढ़ाएंगे, सेचुरेशन को हम यहाँ पे कम कर देंगे। नेक्स्ट टूल में जाएंगे फिर हमारे फेस कलर जो है उसके लुमिनस को हम इस तरीके से बढ़ा देंगे। फिर इसके ह्यू को हम इस तरीके से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद गाइस बाकी जो कलर जो है सभी का हम सेचुरेशन को हम इस तरीके से माइनस कर देंगे। हम सभी का सेचुरेशन को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस इसके हम नीचे वाले टूल्स में जाएंगे जहाँ पर इसके टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। विग्नेट को कम कर देंगे हम और मिड पॉइंट को कम करने के बाद इसके फेदर को हम फुल कर देंगे इस तरीके से। फुल करने के बाद गाइस इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे। शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे, डिटेल को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा बढ़ेंगे, फिर डिटेल भी फुल करेंगे थोड़ा सा, फिर कलर नॉइस रिडक्शन फिर डिटेल भी फुल कर देंगे, स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद गाइस अब हम जाएंगे इसके इस वाले सिलेक्टिव टूल्स में जिससे कि हमारे आँखें जो लाल हो रखा था इसमें अब हम यहाँ पे हम जाके इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस ये जो प्रीमियम वर्जन है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप आराम से इसे डाउनलोड कर लेना। तो गाइस हम इसे सेलेक्ट करके इस तरीके से अपने आँखों में इसे लेकर जाएंगे। हम इसे छोटा कर करके इस तरीके से हम लेकर जाएंगे। अरे थोड़ा सा इस तरीके से होने के बाद गाइस हम करेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे इसके सैचुरेशन को हम कम कर देंगे। फिर हम लाइट्स में जाएंगे। लाइट्स में जाने के बाद गाइस इसके कॉन्ट्रास्ट को हम इस तरीके से बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद शेडो को हम कम कर देंगे और ब्लैक्स को कम कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे ब्लैक्स को। कम करने के बाद गाइस फिर हम इसे क्या रखें, इसका जो हम डुप्लीकेट है डुप्लीकेट इसे लेंगे और डुप्लीकेट लेने के बाद गाइस हम इसे ठीक इस वाले आई में इसके ले जाएंगे हम और यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो आँखें जो थे वो नेचुरल ब्लैक हो रखा है रेड से, ये देखो। तो गाइस अभी भी हमारे फ़ोटो में कुछ एडिटिंग बची हुई है जिसके कारण फ़ोटो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो हम इसे करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे शेयर में जाएंगे और शेयर टू हम इसे लेकर जाएंगे वहाँ, अभी से हम लेकर जाएंगे ऑटो टेक्स्ट में। तो गाइस हम एक बार फिर से हम लाइट रूम से हम इसे ऑटोडेस्क में ले आ रखें। लाने के बाद हम इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएंगे। थर्ड में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ब्रश का इंटरफेस दिखेगा। तो गाइस हम इसे ना यूज करते हुए हम आएंगे स्मज में। स्मज में पहला ब्रश को लेंगे, इसकी सेटिंग साइज को अपने फोटो के हिसाब से रख लेना। सेटिंग को फ्लोर और स्ट्रेंथ देखिए 6 और 5 है। आप इस तरीके से सेटिंग रखने के बाद आप इस तरीके से कुछ ब्रश करेंगे। इस तरीके से ब्रश करने के बाद गाइस आपका जो फेस जो है वो अलग ही चमकेगा। तो बस आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाता हूँ। गाइस आप इसे आराम से टाइम देकर स्मूथ करना फेस को। मैं तो वीडियो के कारण इसे फास्ट फॉरवर्ड में करके इसको जल्दी जल्दी स्मूथ कर रहा हूँ क्योंकि आपके टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा करके। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारा जो फोटो है वो कितने अच्छी तरीके से स्मूथ हो गया और चेहरे में अलग ही ग्लो हो गया। तो गाइस आप टाइम लेकर आराम से इसे स्मूथ कर लेना, मैं तो आपको जल्दी बता दिया। तो गाइस अभी से हम लेकर जाएंगे यहाँ से शेयर करके लेकर जाएंगे हमसे स्नैपशीट एप्लीकेशन में। तो गाइस हम एक बार फिर से हम अपने फोटो को स्नैपशीट एप्लीकेशन में ओपन कर दिए। तो गाइस हम पेंसिल वाला आइकन में जाएंगे हम। अरे टच क्यों ना हो रहा,
टच हो जाए। हाँ फिर डिटेल में जाएंगे, इसके जो डिटेल को हम स्ट्रक्चर जो है इसे हम थोड़े से इस तरीके से बढ़ाने के बाद यहाँ से हम डन कर देंगे। अरे डन हो भाई, अरे क्या हो रहा, अरे डन हो ना। हाँ डन हो गया, फिर हम इसे लेकर जाएंगे। अब जो मेन काम करना है हमें वो करना है हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, तो हम इसे लेकर जाएंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो कैसे एक बार हम फिर से हम अपने फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर दिए हैं। ओपन करने के बाद कैसे हम करने क्या, तो हम सबसे पहले टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद एड्रेस में जाने जाएंगे। एड्रेस में जाने के बाद से हम डोज एंड बन का इफेक्ट डालेंगे। तो कैसे इसका हम इसका जो ब्राइटनेस है इसे हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, और इस जो हाईलाइट जो है इसे हम थोड़े से इस तरीके से बढ़ाने के बाद यहाँ से हम रेजर टूल्स में जाएंगे, फिर इन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट करने के बाद इसके ब्रश जो है इसे हम रखेंगे ओपेसिटी 30 और हार्डनेस भी 30 और साइज जो अपने हिसाब से करने के बाद इसे हम इस तरीके से हम ब्रश कर देंगे। जहाँ जहाँ पे हमें ब्रश इस तरीके से हम डोजन बन मार देंगे ब्रश, तो जहाँ जहाँ ये ब्रश लगेगी वहाँ वहाँ पे फोटो में चमक से आएगा कुछ। हाँ तो वाइस फिर यहाँ से हम इसे डन कर देंगे, फिर यहाँ से भी डन कर देंगे। तो कैसे आप देख सकते हो जब हम फोटो जो है कुछ फोटो में कुछ चमक सा आएगा आप देख सकते हो। तो गाइस फिर हम इसे टूल्स में जाएंगे, रिसाइज में जाएंगे। अब इसका हम रिसाइज देखेंगे कितना हो रहा है, तो इसका रिसाइज हम देखते हैं जो गाइस 1870 दिखा रहा है, तो कैसे से हमेशा एक कम ही रखना है, तो 1869 कर देंगे। यहाँ से डन करके यहाँ से डन, तो वैसे हमारा जो काम था वो सब कुछ हो गया गाइस। तो हमारी वीडियो जो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से फोटो कुछ हम इस तरीके से बना दे, तो गाइस आप देख सकते हो जब हम फोटो कितनी शानदार बन रखी है। तो वैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। तब तक के लिए बाय, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।